भट साहब, आज जो आपने मीरपुर से कोटली तक का सफ़र किया और कोटली में आपने तहरीकी दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात हुई, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त माहौल है वो जो इन तहरीकी लोगों ने तैयार किया है वो इस काबिल है कि वो कोई मज़ीद प्रेशर डेवलप हो सके हिंदुस्तान और पाकिस्तान और सारी दुनिया पे ताकि आज़ादी की राह हमवार हो सके? मीरपुर से कोटली, कोटली से ततापानी, ततापानी से मंडोल, मंडोल से दार बाज़ार और फिर ये खाईगल्ला, रावला कोट, इन सारे जगहों से गुज़र के मैं अब मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हूँ और बिल्कुल जो है मैं इससे मुतमिन हूँ और मुझे बहुत हौसला भी मिला है कि कारकुन जो हैं, जो नौजवान हैं, जो पूरी कौम है वो इस वक्त जज्बाती है और वो इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरजोश हैं और वो इस हालात में भी वो सड़कों पर खड़े हैं, कैंप लगे हुए हैं और सुबह के लिए जो अनाउंसमेंटें हो रही हैं तो मैं ये अगर कहीं भी कोई थोड़ा सा इंसानियत का मादा है किसी के अंदर तो उनको ये पता होना चाहिए कि अब ये काफ़िला जो है ये रुकने वाला नहीं है और इससे बहुत सारे असरात जो हैं मरतब होंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं तो मुतमिन हूँ कि ये कल का जो हमारा कारवान होगा ये किसी न किसी मन की अंजाम तक पहुँचेगा।